भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वन नेशन वन कार्ड, यानी एक देश में एक कार्ड का इस्तेमाल आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मजदूर अगर अपने घर से बाहर हैं, जो कि एक साल में ये 8 महीने घर से बाहर रहते हैं, तो यहाँ इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा, ये सवाल है। मोदी जी, आपने ही कहा था चिल्ला करना कि वन नेशन वन कार्ड, मजदूर जहाँ चाहे वहां से जाकर राशन कार्ड का फायदा ले सकता है। क्या आपको राशन मिलता है यहाँ? नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ राशन मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ राशन मिलता है? नहीं सर, यहाँ नहीं। क्या राशन कार्ड है आपके पास? हाँ ये है। इधर आइए, इधर घूमिए, इधर देखिए। क्या राशन कार्ड है आपके पास? है सर। नहीं मिलता है राशन यहाँ? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ हाँ। कौन है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नालंदा से उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और सभी का ये दुख दर्द जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन नीतीश जी, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप सोचिएगा कि आपके इलाके के लोग बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, यहाँ आकर मजदूरी कर रहे हैं। तो वाकई में एक सवाल तो बनता है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा है और वहीं के लोग बाहर जाकर जो है मजदूरी कर रहे हैं। क्या, कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। नालंदा में कहाँ से? बिहार शरीफ से। मुख्यमंत्री जी के इलाके से? कब से हैं यहाँ? यहाँ 4-5 महीना से हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के साथ न्याय होता है या अन्याय होता है? अरे अन्याय क्या, जो भी मर्जी आता है सब कुछ करते हैं। मतलब अगर 20,000 ईंटा आप बनाए और मालिक 10,000 लिखा, 10,000 का पैसा? हाँ, तो उससे ज्यादा नहीं देगा वो। हाँ, ऐसा होता भी आप लोग का? हाँ होता भी। तो आप लोग बोलते नहीं, आवाज नहीं उठाते? अभी तो हमारे साथ नहीं हुआ है, मगर बहुत जगह हो चुका है। ऐसा होता है, आप लोग लड़ाई नहीं करते इसके लिए? लड़ाई तो नहीं अभी हम किए हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम विट्ठलपुर में हैं, ये बनारस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ईंट भट्टा है और यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो ईंट बनाते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे और जानकारी लिया तो पता चला ये लोग बिहार से हैं और बिहार के ऐसे जगह से हैं जहां से नीतीश कुमार मूल रूप के निवासी हैं। जहां नीतीश कुमार का जन्म स्थान है वहीं से ये लोग हैं। ये लोग नालंदा जिले से हैं और नीतीश कुमार का गृह इलाका भी नालंदा रहा है और है। आप इस चीज को जान लीजिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, लगभग 18 साल से, और उनके इलाके के लोग अगर कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं तो ये वाकई में बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे ये लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे बच्चे, ये महिला लोग, सारे ये लोग जो हैं वो बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और ये लोग यहाँ पर ईंट भट्टा पर जो है वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि हमने इतने रोजगार दिए, इतने रोजगार दिए, सरकारी नौकरियां लाई। तो ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो आपने नौकरियां ला दी, लेकिन ये लोग जो अनपढ़ रह गए, ये लोग जो बाहर में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, इनके लिए कोई रोजगार क्यों नहीं दिया गया? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। आइए हम सबसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या है? मेरा परवेज है। मिलार। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ हाँ। कौन है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नालंदा से उत्तर प्रदेश क्यों आ गए? आते हैं, लगचारी में नहीं है, खेती वेती, अपना घर बार खाली, बस यही करते आते हैं, काम बार बार कर लेते, इसीलिए आते हैं। वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? वहाँ रोजगार कहाँ मिले, पूरा परिवार आप लोग चल देते हैं? हाँ, हम लोग पूरा परिवार। अरे तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती होगी? कहाँ से, मौके नहीं मिलता है तो, मौके नहीं मिलता तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी? मतलब जैसे आप आज मजदूरी कर रहे हैं वैसे आपके बच्चे भी कर रहे हैं? हाँ, उसके साथ जब आज रहेंगे सर तो आप साथ ही ना रहेगा, कहाँ से किसको, घर पर तो कोई है नहीं, ताला लगल है। कितने सालों से यहाँ आप? हम लोग तो यहाँ आए हैं कार्तिक महीना से। अच्छा, मतलब आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। हाँ, 8 महीना यहाँ रहते हैं, 4 महीना घर पर रहते हैं। अच्छा, तो जो आप लोग का जो पैसा होता है मजदूरी का वो मिल जाता है? हाँ, पैसा तो मिल जाता है, जो कमाते हैं मिल जाता है, मिल जाता है। हाँ, तो बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार मिलता तो सर यहाँ आते। जिस इलाके से आप हैं उसी, उन्हीं का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसके बावजूद वहाँ लोगों को रोजगार नहीं? नहीं, यहाँ दिक्कत होता है कि नहीं? दिक्कत देखिए, जब बाहर निकाल गए सर तो जब ही दिक्कत पैदा है। क्या चाहते हैं कि जैसे आप मजदूरी कर आपके बच्चे भी? वो तो नहीं चाह रहा है, मतलब चारी में किस पर छोड़े सर, नहीं रहता है ठिकाना था उठाए मेरे, तब क्या करें, अब चले आते हैं बाल बच्चा के लेके।
देखिए इतना भीषण गर्मी है और अभी आप लोग ये छाए में आराम करते हैं। आराम तो करिए रहे हैं, फिर शाम में काम करेंगे। फिर सोते कहाँ हैं आप? यही मड़ई है। मड़ई में सोते? हाँ मड़ई में, पूरा परिवार। हाँ है ना। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं और सभी का ये दुख दर्द जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन नीतीश जी, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप सोचिएगा कि आपके इलाके के लोग बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, यहाँ आकर मजदूरी कर रहे हैं, तो वाकई में एक सवाल तो बनता है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा है और वहीं के लोग बाहर जाकर जो है मजदूरी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोदार चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। कौन जिला? जिला पड़ जाएगा लखीसराय। आपका लखीसराय पड़ जाता है। कितने दिन से यहाँ है आप? यही 5-6 महीना से। आपके भी बच्चे यही हैं? हाँ बच्चे हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों की होती है? पढ़ाई लिखाई लड़की है दो गो। अच्छा। एक लड़का है। सब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। लड़की कुछ 5-6 चौथा पढ़ी है, अब काम करने वाले चले हैं लेकर के काम करने। पढ़ाई छूट गया? हाँ पढ़ाई छूट गया। दिक्कत होता है यहाँ? दिक्कत तो होता है, जो 400-500 करके 1000 में देते हैं, सप्ताह ही लेते हैं 500 रुपया का, वही खाना खुराक ही। बाकी अब क्या हिसाब देंगे, क्या हिसाब बनाए हुए, कितना ईट पा रहे हैं, कितना खुराकी लिए हैं, वो चढ़ाते जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप लोग आते हैं? माध्यम से तो आए हैं, ठेकेदार एगो प्रेम था, अब प्रेम सीजन पर आने पर ठेकेदार वो कहता है कि इतना हिसाब लिए, इतना पथाई किए, चलो घर चलो घर, तो पैसे रुक जाता है। दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। मजदूरी कितना मिलता है? मजदूरी यही 500 रुपया मिल रहा है। 500 रुपया डेली? हाँ 500 रुपया सप्ताह, 1000 पर। 1000 ईंटा बनाते हैं तो 500 मिलता है? नहीं बनाते हैं तो 4000-5000, 4500। एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में बना लेते हैं 3500। 500 रुपया लेते हैं सर, 500 रुपया लेते हैं, 3500 बनाते हैं। कितना आदमी मिलकर बनाते हैं एक दिन में 3000? चार आदमी पांच आदमी मिलकर के बनाते हैं। कितना ईटा टोटल? 5 आदमी मिला जुला के समझिए 4000 ईटा बनाते हैं। जो जितना ईटा आप लोग बनाते हैं वो पैसा मिल जाता है? मजदूरी तो जाने के टाइम में एक बार मिलता है, सीजन में 6-7 महीने के बाद। कुछ रख भी लेते हैं ये लोग? नहीं नहीं रखते नहीं हैं। क्या करेंगे अभी आए यहाँ पर, हिसाब आप दे के जाए हम लोग को, जो उसका खुराकी से अगर कितना ईट बनाए हो तो उसे हिसाब बिना के अगर 7000-8000-10000 देंगे तो यहाँ जानेंगे कि नहीं। मतलब कहने का ये है स्पष्ट रूप से कि आप लोग कितना ईटा बनाएंगे उसका हिसाब मालिक करेगा, वो जो लिख लिया वही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने ईटा 15000 बनाया और मालिक ने 10000 लिख दिया तो पैसा आपको 10000 का ही मिलेगा। यही होता है ना? हाँ। ऐसे होता है शोषण मजदूरों का। क्या कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से। नालंदा में कहाँ से? बिहार शरीफ से। मुख्यमंत्री जी के इलाके से? कब से हैं यहाँ? यहाँ 4-5 महीना से हैं। अच्छा एक बात बताइए, ईट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के साथ न्याय होता है या अन्याय होता है? अरे अन्याय क्या, जो भी मर्जी आता है सब कुछ करते हैं। मतलब अगर 20000 ईटा आप बनाए और मालिक 10000 लिखा, 10000 का पैसा? हाँ तो उससे ज्यादा नहीं देगा वो। हाँ ऐसा होता भी आप लोग का? हाँ होता भी। तो आप लोग बोलते नहीं, आवाज नहीं उठाते? अभी तो हमारे साथ नहीं हुआ है, मगर बहुत जगह हो चुका है। ऐसा होता है। आप लोग लड़ाई नहीं करते इसके लिए? लड़ाई तो नहीं अभी हम किए हैं। मतलब ऐसे तंग किया जाता है मजदूरों को, है ना? बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है? बिहार में रोजगार रहता तो यहाँ पर क्या करने आते? बिहार में अगर रोजगार रहता तो यहाँ पर आते क्या करने के लिए? वही करते हैं ना, परिवार को पढ़ाते लिखाते हैं, है ना? भले 10 रुपये कम मिलता। क्या बात। क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ बने? वो तो सब कोई चाहता है कि हमारा भविष्य में बाल बच्चा बढ़िया बने हमसे। तो आप जिस तरह से कभी बिहार कभी यूपी कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे आपके पढ़ लिख पाएंगे? हाँ तो मेरे पास पैसा नहीं उतना है, तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे बताइए, आपका घर में। अच्छा आप लोग को वहाँ गाँव में राशन वगैरह मिलता है? हाँ राशन मिलता है। यहाँ मिलता है? यहाँ नहीं मिलता है, गाँव में मिलता है। हाँ गाँव में मिलता है। तो जब गाँव में आप लोग ताला मार के चला है तो राशन कौन ले रहा है? अभी यहाँ पर नहीं मिलता है। देखिए यहाँ कई बार तो बोलता है यहाँ पर नहीं मिलेगा,
तो वन नेशन वन कार्ड सरकार आदेश दिए थे। देखिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वन नेशन वन कार्ड यानी एक देश में एक कार्ड का इस्तेमाल आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मजदूर अगर अपने घर से बाहर हैं, जो कि एक साल में ये 8 महीने घर से बाहर रहते हैं, तो यहाँ इनको राशन क्यों नहीं मिल रहा, ये सवाल है। मोदी जी आपने ही कहा था चिल्ला करना कि वन नेशन वन कार्ड, मजदूर जहाँ चाहे वहां से जाकर राशन कार्ड का फायदा ले सकता है। क्या आपको राशन मिलता है यहाँ? नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ राशन मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ राशन मिलता है? नहीं सर, यहाँ नहीं। क्या राशन कार्ड है आपके पास? हाँ हाँ ये है। इधर आइए, इधर घूमिए, इधर देखिए, क्या राशन कार्ड है आपके पास? है सर। नहीं मिलता है राशन यहाँ? नहीं। क्या राशन कार्ड है आपके पास? था मगर गए घर ले गए हैं हम, क्योंकि यहाँ नहीं मिला। नहीं मिला। आधार कार्ड है? आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड से भी राशन मिल सकता है? नहीं, देवे नहीं करता है। क्या बोलता है? बोलता है आपका आई लिया थोड़ी नहीं आता है। उस गांव में गए थे? उस गांव में गए थे, नहीं दिया अनाज। एक बार नहीं, दो बार गए थे। तो अब सोचिए कैसे इन लोगों का जो है वो पेट भरेगा। आप तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि वन नेशन वन कार्ड, लेकिन उस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, लोग नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है ये नहीं पता। अच्छा, इस क्षेत्र के कोई अधिकारी कभी आते हैं भट्टा पर आप लोगों से मिलने? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का विकास हो, वो भी यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आते। देखिए इस तपती धूप में किस तरह से महिलाएं जो है वो काम कर रही हैं, अपना पेट पाल रही हैं, और उसके बावजूद जब उनका जो मजदूरी होगा वो काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। अब इनको राशन कार्ड मिला था कि राशन का फायदा आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ आए इनको राशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ के जो एमओ होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, उनको ऐसे ईंट भट्ठे पर जाकर मजदूरों से हालचाल लेनी चाहिए और पूछनी चाहिए कि क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार को आने दिखाइए कि आप वन नेशन वन कार्ड की बात करते हैं तो वो नियम कहाँ जाता है। जेके न्यूज 24 के लिए मैं सुमन राठौर, बनारस से।